नाम मेरा मिथिलेश है अर्शोपुर के रहने वाले हम और मेरे पैरों में का दस साल से काफ़ी तकलीफ़ थी घर वाले भी काफ़ी परेशान थे उठने में बैठने में सोने में सब बात में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी फिर बाद में कई डॉक्टर साहब को पाँच सात डॉक्टर साहब को भी हमने बताया उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा फिर ये गठिया की शिकायत बता दी किसी ने तो फिर उस गठिया का भी इलाज लिया उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर बाद में एक घुटने उठने उठ के बैठने से घुटना नीचे से हड्डी टूट गई फिर हड्डी टूटने के बाद भी काफ़ी ट्रीटमेंट लिया फिर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा फिर डॉक्टर साहब दवाई देते रहे फिर प्लास्टर किया फिर प्लास्टर से तीन चार छः महीने तक उस रखा और कह बोल दिया ऐसे है कि हड्डी जुड़ गई और कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन कराने की फिर उस चक्कर में दस साल बिता दिए डॉक्टर साहब ने फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई घर वाले भी काफ़ी परेशान होने लगे रात को सोने में भी दिक्कत रहती थी उठने में भी दिक्कत रहती थी बाथरूम में भी जाने में दिक्कत रहती थी और सही से सो भी नहीं पाती थी फिर किसी ने डॉक्टर साहब को बताया नारायणा हॉस्पिटल के अंदर फिर हम नारायणा हॉस्पिटल के अंदर आए लकीली इनकी फैमिली में मैंने इनकी मतलब कजिन जेठानी मान लें जो लगभग 120 किलो की थी मितेश जी की उनका मैंने सर्जरी किया था और वो बहुत ही सफल रहा था जिससे इनको बूस्ट मिला कि जब उनका हो सकता है तो इनका भी हो सकता है फिर डॉक्टर साहब को सप्ताह भर हमने दवाई ली इंजेक्शन लगवाई और फिर बाद में डॉक्टर साहब ने 2023 के अंदर तीन मई को एक पैर का ऑपरेशन किया और दूसरा पैर का छब्बीस जून को किया फिर ऑपरेशन इनका सर्जरी भी कुछ डिफरेंट था हड्डी को हमने ब्रेक किया जो कर्व थी फिर हायर इम्प्लांट यूज़ किए जिसमें स्टैम लगती है और और उस पैर को बिल्कुल स्ट्रेटन अप किया तो ये खुद ही बिलीव नहीं कर पाई अगले दिन ऑपरेशन के कि ये मेरे पैर सीधे भी हो सकते हैं क्या जो पैर लगभग दो फुट दूर रहते थे वो सीधे हो गए तो इनकी आँखों से अगले दिन आंसू आ गए और वो हमारे लिए भी बहुत इमोशनल मोमेंट था कि ऐसा देख पाना एक तरह से नया जीवन मिला है और डेढ़ दो महीने के अंदर हम चलने फिरने लग गए आराम से चलने फिर लेते हैं घूम लेते हैं हम हमारा काम कर लेते हैं किसी तरह की तकलीफ नहीं है और सब बात अच्छी है थोड़ा रिकवरी में इनका टाइम लगा बिकॉज हम जब फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं तो प्रोटोकॉल ऑफ री स्लो हो जाता है पर लगभग तीन महीने के आज अंतराल पे शी इज़ एक्टिव आराम से आधा पौन घंटा घूम पा रही हैं घर का काम कर पा रही हैं और लाइफ के एक नए अध्याय पे आगे जो भी जीवन है वो अच्छा निकले इसी आशा से हम चाहेंगे कि हर पेशेंट ऐसे मोटिवेट रहे और दर्द रहित जो जीवन है जो हमारी मुहिम हम चाहते हैं कि हर पर्सन दर्द रहित रहे उसी को आगे बढ़ाएँ नमस्कार